नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रहास आपका अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए TikTok पे वायरल हो रही एक वीडियो की एडिटिंग लेके आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बच्चे दिख रहे हैं और जो उनकी शैडो है वो डांस कर रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो चलिए बताते हैं इसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको दो एप्लीकेशनों की ज़रूरत पड़ेगी, पहला काइन मास्टर और दूसरा बैकग्राउंड इरेजर। दोस्तों, ये दोनों एप्लीकेशन आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों, आपको अपने फ़ोन से एक नॉर्मल वीडियो शूट करना होगा, कुछ इस तरीके से कि पैर को जमा के रखना है और बाकी शरीर से एक्टिंग करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आपको धूप में शूट करना होगा, जो आपकी परछाई है वो आपके सामने आनी चाहिए। और दोस्तों, वीडियो शूट करते टाइम आपका जो कैमरा है या फोन जिससे भी आप शूट करेंगे वो बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, उसे किसी स्टैंड या कहीं ऐसी जगह पे रख के शूट करना है कि बिल्कुल फोन हिलना नहीं चाहिए। अगर दोस्तों आपका फोन हिलेगा या उसका कैमरा हिलेगा तो दोस्तों वीडियो इतना परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो शूट करने के बाद इसे एडिट कैसे करना है, इसके लिए चलते हैं काइन मास्टर में। For more cool and techy videos, you can subscribe to my channel. You can also turn on the bell notification icon to stay notified our latest uploads. तो दोस्तों, काइन मास्टर खोलने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा। तो दोस्तों, यहाँ से आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, इसके बाद में आपको रेशियो सेलेक्ट करना है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को वर्टिकल मोड में यानी कि वीडियो फोन को खड़ा करके वीडियो शूट किया है तो आपको 9:16 का रेशियो ले लेना है। तो इसके बाद में दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आपके सामने आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको मीडिया पे जाना है और मीडिया पे जाने के बाद आपको वो वीडियो इम्पोर्ट कर लेनी है जो आपने अपने कैमरे से अभी शूट की थी। तो चलिए उस वीडियो को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो वीडियो आ चुकी है। तो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि हमें कितनी वीडियो अपने इस वीडियो में रखनी है, बाकी की वीडियो को कट कर देना है। तो दोस्तों, कट करने के लिए पहले इसे चला के देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें यहाँ से वीडियो को रखना है यहाँ से, तो इसके आगे की वीडियो को हम कट कर देंगे। कट करने के लिए दोस्तों, एक बार इस वीडियो वाली लेयर पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में यहाँ पे सीजर यानी कैंची का एक आइकन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्ले हेड पहला जो ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना है, तो आगे की वीडियो अपने आप से कट जाएगी। तो दोस्तों, अब चला के वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ तक वीडियो रखनी है। तो दोस्तों, यहाँ तक वीडियो रखनी है तो यहाँ का जो आगे का हिस्सा है इसे कट कर देना। कट करने के लिए फिर से आपको इस वीडियो वाली लेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद में कुछ फिर से आपको सीजर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड पे क्लिक करना है और आगे का हिस्सा कट जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद में आपको ये देखना है कि आपको कौन सा हिस्सा फ्रंट पे दिखाना है, कि यही हिस्सा दिखना चाहिए, बाकी साइडो डांस करे और कुछ ना दिखे। तो दोस्तों, इसके लिए उस हिस्से को आपको चुनना होगा। जैसे कि आपको अगर यहाँ पे आप चूज करते हैं ए, मतलब बच्चा इस तरीके से खड़ा रहे बाकी साइडो डांस करे, तो आप क्या करना है, यहाँ पे जाके इसी वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है और जो पहला ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव फ्रॉम एट प्ले हेड, उस पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि ये जो फोटो है ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। अब आपको बैकग्राउंड इरेजर ऐप जो आपने इंस्टॉल किया है उसे ओपन करना है। तो दोस्तों, बैकग्राउंड इरेजर ओपन करते ही आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लोड ए फोटो, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक कैप्चर का फोल्डर मिलेगा, वहां पर जाना है और वहां से वो फोटो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से डन कर देना है। यहाँ से दोस्तों आपको
जहाँ जहाँ बच्चे की शेडो मूव हो रही है बस शेडो को ही इरेज करना है। तो दोस्तों चलिए करते हैं। तो यहाँ से अब आपको डन कर देना है और डन करने के बाद यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ से फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली दोबारा अपने काइन मास्टर में जाना है। तो दोस्तों काइन मास्टर में जाने के बाद में अब आपको वीडियो के बिल्कुल शुरू में आ जाना है और यहाँ से अब लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद दोस्तों मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद में आपने जो अभी बच्चे की फोटो जो इरेज की है उसे ले लेना है। इरेजर फोल्डर मिल जाएगा, वहां से उसे ले लेना है। और ले लेने के बाद में दोस्तों कुछ इस प्रकार से फोटो आपके सामने आ जाएगी, तो इसे फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के लिए दोस्तों इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद में जो सेकेंड नंबर पे है फुल स्क्रीन, इस पे कर देना है। तो ये पूरे स्क्रीन में फोटो हो गई। तो दोस्तों अब इस फोटो को बढ़ा के पूरा वीडियो को एंड तक कर देना है। जहां तक वीडियो है वहां तक फोटो को बढ़ा देनी है। तो अब वीडियो को चला के देखते हैं। और हाँ दोस्तों एक बार आपको इस वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करके और साउंड वाले ऑप्शन पे जाना है और साउंड पे ऑप्शन पे जाके यहां से इसका वीडियो का साउंड ऑफ कर देना है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं बच्चे की केवल शैडो ही मूव कर रही है, बाकी बच्चा खड़ा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों अब इसमें आपको म्यूजिक डालना है। म्यूजिक डालने के लिए आप अगर अपनी गैलरी से कोई म्यूजिक डालना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से जाके आप वो म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हैं। या इसके अलावा दोस्तों आप अगर कोई टिकटॉक का म्यूजिक इसमें डालना चाहते हैं तो उस टिकटॉक की वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से लेयर पे जाने के बाद में मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद में वो टिकटॉक की वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। इस वीडियो का इसमें म्यूजिक डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको जाना है इस सीए वाले ऑप्शन पे। सीए वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो। एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। तो दोस्तों जो अभी हमने जिस वीडियो का लेयर लिया है उसका जो म्यूजिक है वो निकल के बाहर आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद में ये जो वीडियो भी ली है उस पर फिर से क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ से डिलीट कर देना है। तो वो वीडियो डिलीट हो जाएगा, उसका केवल ऑडियो यहाँ पे बच जाएगा। तो दोस्तों आप वीडियो को चला के देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं म्यूजिक हमारा छोटा है और वीडियो थोड़ी बड़ी है, तो वीडियो को यहाँ से कट कर देनी है। तो दोस्तों वीडियो को कट करने के लिए आपको फिर से इस वीडियो वाले लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको कैंची का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आपको ट्रिम टू राइट ऑफ लेयर पे क्लिक करना है। तो उसके आगे की वीडियो कट जाएगी। तो फोटो को भी यहाँ से कट कर देते हैं। अब फोटो वाली लेयर पे क्लिक करना है और उसके बाद में फिर कैंची वाले ऑप्शन पे जाके ट्रिम टू राइट ऑफ लेयर पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा म्यूजिक वीडियो और इमेज तीनों एक साइज की हो गए। तो अब वीडियो को चला के देखते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में आपको यहाँ शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको रिजोल्यूशन सेट करना है और उसके बाद में इस फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। मैं इस फाइल को पहले एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।